हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फेशियल टिप्स बताऊंगी। फेशियल टिप्स में हमारा होगा फेस पेज, तो इसे हम आप लोगों को एक घर का फेशियल बनाना सिखाएंगे। तो घर का फेशियल ज़्यादातर घर की चीज़ों से ही होगा जो आपके घर उपलब्ध होंगी। ओके, अवेलेबल होंगे आपके घर। तो सबसे पहले हम एक ये लेमन लेंगे, इसे ये बड़ा है सो इसे मैं आधा पीस करूँगी, और ये टमाटो लूँगी एक, और एक मैं पटेटो लूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों की ये बता देती हूँ कि हम लोगों के ये किस किस चीज़ के लिए क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो टमाटो का क्या फ़ायदा है, ये हमारा मॉइस्चराइजेशन के काम आता है, जो हमारे उसमें त्वचा पर छुपी हुई डस्ट होती है उसे साफ करता है। ये टमाटो जो हमारी त्वचा को निखारने के काम आता है, और ये लेमन है जो हमारी छुपी हुई डस्ट को बाहर निकालता है और फोड़े फुंसियों को दूर करता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा पेस्ट इसे का पेस्ट बना के मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाला हुआ है, आप लोग भी बेसन यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आप लोगों को अपने हाथ पर लगा कर दिखाऊँगी। तो आप लोग इस अपने फेस पर भी यूज कर सकते हो और इसे हाथ पर भी लगा सकते हो, जो भी बॉडी स्किन आप लोगों की ब्लैकनेस हो गई हो। पर दोस्तों मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत लोग आप लोगों को इस वहम में रखते हैं कि इसे लगाने से कि आपकी त्वचा का निखार आ जाएगा और आप रातों रात बहुत गोरे हो जाओगे। मैं दोस्तों ये नहीं कहूँगी कि आप रातों गोरे हो जाओगे, जैसी स्किन होती है वैसी रहती है, पर लेकिन नहीं, पर कुछ डस्ट होती है जो हमारी स्किन को रफ़ कर देती हैं, और इस चीज़ का इस्तेमाल करने से वो जो डस्ट होती है वो दूर हो जाती है और ब्लैकनेस हट जाता है और हमारी त्वचा में निखार आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से 5-10 मिनट लगा रहने देंगे, और इसके बाद हम आप लोगों को इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आप लोग देख सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने ये अपना हाथ साफ पानी से कर लिया है, आप लोग इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो। देखो ये हाथ आपको कितना गोरा लग रहा है। इसी तरीके से आप घर पर पेस्ट बना के अपने त्वचा को निखार सकते हो। देखिएगा दोस्तों इस हाथ में और इस हाथ में कितना इफ़ेक्ट लग रहा है। आप लोग इसी तरीके से आप अपने घर में यूज कर सकते हो और इस तरीके से आप पेस्ट बना सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद।